सो हाय गाइस, आज हम सीखेंगे डेब्यू थीम के अंदर हम कैसे एक रिस्पॉन्सिव इमेज बना सकते हैं, हम डेस्कटॉप के लिए एक अलग इमेज कैसे लगाएं और एक मोबाइल के लिए इमेज कैसे लगाएं। रिस्पॉन्सिव वर्ड गलत यूज कर लिया है क्योंकि ऑलरेडी ये इमेज रिस्पॉन्सिव है। सो बहुत लोगों के पास ये इशूज़ होते हैं कि उनको मोबाइल के लिए एक अलग इमेज चाहिए होती है और डेस्कटॉप के लिए एक अलग इमेज चाहिए होती है, क्योंकि बहुत बड़ी रेजोल्यूशन फिट नहीं हो पाता या फिर कोई साइजिंग इशू आ जाता है जिस वजह से वो कंटेंट जो इमेज का होता है वो मोबाइल में विजिबल नहीं होता। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम थीम की कॉपी बनाएंगे, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने यहाँ पे थीम की कॉपी बना रखी है। तो मेक श्योर आप भी जिस भी थीम पे काम कर रहे हैं उसकी कॉपी बनाएं एंड कॉपी पे ही चेंजेस करें, ताकि आपके पास बैकअप रहे, आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो उसका बैकअप रहे। सो यहाँ पे मैंने एडिट कोड खोल लिया है एंड एडिट कोड में मैंने वो सेक्शन भी खोल लिया है। हम आज की वीडियो में इमेज बैनर वाले सेक्शन पे काम करेंगे। ये रहा इमेज बैनर एंड हम यहाँ पे इमेज बैनर सर्च करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है बट ये बिगिनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल ही नहीं पता। सो यहाँ पे आपको इमेज बैनर दिख जाएगा एंड आपको इस लिक्विड फाइल पे जाना है। हम यहाँ पे पूरा कोड नहीं पढ़ेंगे बट मैं आपको एक जनरल नॉलेज दे देता हूँ जो भी बिगिनर है, कि यहाँ से आपका इमेज वाला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये इमेज वाला सेक्शन है बेसिकली। यहाँ पे हमें दो इमेजेस का सेक्शन दे रखा है, हम डेब्यू के अंदर दो इमेजेस यूज कर सकते हैं, तो हमें बस सारी फर्स्ट वाली पे ही हम ध्यान देंगे, क्योंकि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अभी एक ही इमेज लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे उस एक इमेज के लिए आपको इमेज वन के लिए ये वाला सेक्शन दे रखा है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पूरे सेक्शन को कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा इमेज सेक्शन है जो कि मोबाइल के लिए यूज होगा। एंड सेकंड हम करेंगे चेंजेस अपने स्कीमा के अंदर, हालांकि मैं अपनी सारी वीडियो के अंदर स्कीमा को पहले सेटिंग करना बताता हूँ बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग कर रहे हैं। सो हम यहाँ पे एक और इमेज पिकर सेक्शन बनाएंगे, यहाँ पे हमने कॉपी किया इसको, यहाँ पे पेस्ट करना है आपको इसी के ही नीचे। ये स्कीमा सेक्शन है, इसका कहाँ पे यूज आता है ये मैं आपको बस बताता हूँ। अभी इमेज पिकर आपका टाइप सेम रहेगा, आईडी यहाँ पे चेंज होगी अंडर मोबाइल, लेबल में हम डाल देंगे मोबाइल इमेज एंड हम यहाँ पे सेव करेंगे। लेट्स सी कि हमें सेव करने देता है या नहीं। एसेट सेव हो गया है। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी भी हो सकती है। सो आप देख सकते हैं हमने HTML कॉपी कर दिया था, तो उसकी वजह से इमेज भी हमारी दो बारी रिपीट हो रही है एंड हमारे यहाँ पे जो सेक्शन की सेटिंग्स है उसमें हमें मोबाइल इमेज लगाने का भी एक ऑप्शन मिल गया है। बट क्या हम अगर यहाँ पे एक दूसरी इमेज लगाते हैं तो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने उसको स्कीमा को HTML के साथ कनेक्ट नहीं किया है। सो हमने जो यहाँ पे आईडी दिया है इमेज अंडरस्कोर मोबाइल, ये हमें उस HTML से कनेक्ट करने में हमें हेल्प करेगी। हम यहाँ पे मोबाइल लिखेंगे, अब यहाँ पे हम मोबाइल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम उसको इमेज को उस आईडी से कनेक्ट कर रहे हैं जो हम वहां पे असाइन करना चाहते हैं मोबाइल के लिए। एंड हम यहाँ पे सेव करके देखेंगे कि हमारे सेक्शन यहाँ पे सेम हो रहे हैं या नहीं हो रहे।
एंड हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे। एंड यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज यहाँ से कनेक्ट हो चुकी है, हमारा ये ग्लास यहाँ पे आ चुका है। अब हमारा मेन काम ये है कि हम इस वाली इमेज को मोबाइल पे हाइड कर दें एंड इस वाली इमेज को हम अपना डेस्कटॉप पे हाइड कर दें। तो डेस्कटॉप पे अगर हम देखेंगे तो डेस्कटॉप पे भी हमें ये प्रॉब्लम भी हुई है। मोबाइल पे तो आ रहा है ये, तो हम देखते हैं हमने यहाँ पे गलती कहाँ पे करी है। तो ये बहुत ही वैसी वीडियो होने वाली है कि जहाँ पे मैं बस खाली खुद ही एक्सप्लोर करके बनाऊंगा। मैं यहाँ पे कोई प्री वो नहीं किया हुआ, मैंने प्रेप नहीं किया था इस वीडियो के लिए। तो जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि हमें एक सेक्शन दूसरी जगह पे हाइड करना है और एक सेक्शन हमें एक डिवाइस पे शो करना है, तो हम उसके लिए एक नई क्लास बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने बैनर अंडरस्कोर डेस्क टॉप बना दिया है, नहीं हम एक अलग क्लास डालेंगे यहाँ पे डेस्क, और यहाँ पे हम डालेंगे मोबाइल। आप कोई भी अपनी तरफ से क्लास डाल सकते हैं, मैं भी कोई रैंडम क्लास ही लिख रहा हूँ। मेरी आदत ऐसे है मॉब टी लिख के ऐसे करने की। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे कि वो क्लासेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो फिर हम यहाँ पे स्टाइलिंग की तरफ बढ़ेंगे। हाँ यहाँ पे डेस्क आ रहा है एंड यहाँ पे मॉब आ जाना चाहिए। यस, तो ये एक अच्छा साइन है। अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग लिखेंगे अपनी। स्टाइल आप हमेशा याद करिए रखिएगा कि जब भी हम HTML खत्म कर रहे हैं, और HTML के अंदर मत लिखना कभी भी, और ना ही स्कीमा के अंदर लिखना, वो एक एरर कॉज कर देगा आपकी पूरी फाइल को ही। आप या तो ऊपर एक स्टाइल शीट का यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं जहाँ पे HTML बेसिकली आपका सारे डिविजन्स डिव खत्म हो रहे हो, यहाँ पे एक स्टाइल लिख दूँ। ऊपर से शॉपिफाई की ये बात भी अच्छी है कि अब ये काफी अपने आप ही एंड करने लग गए हैं इसको। अब एक मीडिया क्वेरी भी लिखेंगे जो कि आपके मोबाइल के लिए काम आएगी। ये आप मीडिया क्वेरी याद कर सकते हैं जो भी बिगिनर्स हैं। ये आप कोई भी CSS लगाएंगे तो ये सिर्फ मोबाइल के लिए ही वैलिड होगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन मैक्सिमम 700 पिक्सल से कभी भी एक्सीड नहीं करेगी। एंड मॉप टी डिस्प्ले ब्लॉक, डेस्क। हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले नन कर देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि मोबाइल के ऊपर डेस्कटॉप वाली इमेज शो करे, राइट? एंड आई गेस ये यहाँ पे काम नहीं करेगा अंटिल अनलेस जब हम इम्पोर्टेंट ना लगा दे तो, बट स्टिल चेक कर लेते हैं। और ये काम कर रहा है, तो आप देख सकते हो कि मोबाइल पे हमारी ये इमेज आ रही है। एंड आई गेस अब हमें डेस्कटॉप पे इसको फिक्स करना है। तो हम डेस्क की जगह मॉब टी को हाइड कर देते हैं।
आप देख सकते हैं कि अगर हम डेस्कटॉप पे हैं तो हमें ये इमेज शो हो रही है, एंड हम मोबाइल पे हैं तो हमें ये इमेज शो हो रही है। एंड ये हमने सेक्शन बना दिया है। अगर आपको कोई भी और इश्यू होता है या फिर कोई भी और डाउट होता है या कोई भी इस फंक्शनैलिटी के अंदर या आपको कोई एरर या फिर मिस्टेक निकलती है, प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करके मेरे को बताएं, मैं उस चीज़ को अगली वीडियो में करेक्ट करूंगा। एंड आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी हेल्प हो पाएगी हम करेंगे। एंड वी कैन ऑल्सो बिल्ड अ कम्युनिटी वेयर वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर। सो आई गेस आपके लिए ये काफ़ी यूजफुल रहा होगा। एंड यस, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपके किसी फ्रेंड को ज़रूरत है ये सारी चीज़ें सीखने की, या फिर कहीं पे उसकी हेल्प हो सकती है इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।